सर जेपी भाई न्यूज रामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर मंडी में काफी किसानों के द्वारा सूचनाएं मिली हैं कि काफी किसानों के आड़ेतों के द्वारा पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आप सर हमारी गांव की भाषा में अगर बताएं तो आप प्याज के किंग हैं, मंडी के भी आप किंग हैं और आप मंडी के संरक्षक भी हैं, आप अध्यक्ष भी हैं। तो सर किसानों की, हालांकि उन किसानों का पेमेंट आपकी तरफ नहीं है लेकिन किसानों की उम्मीदें आपसे हैं, तो सर इस बारे में आप क्या कहोगे? ये सत्य पिछली बार नुकसान का काम रहा, बहुत से किसानों का पेमेंट आड़ती ऊपर बाकी रह गया। ज्यादातर किसानों ने वो पैसा दे दिया जैसे हमारी जानकारी में है, और जिनका बाकी है उनका भी दिलाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और किसी का बाकी है तो हमसे संपर्क करें, हम उस आड़ती से बात करेंगे। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से किसानों से विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी माल अपना मंडी में लाए, अपना जहां समझ आए उस आड़ती पर बेचे, लेकिन जिस पर बेचे उस पर पूरा तुलवाए, पूरा भाव लेवे और अपना नगद रुपया लेकर जाए। उधार छोड़कर अगर जाएंगे तो आपने जो प्रश्न आज पूछा है फिर आप अगले साल फिर यही प्रश्न पूछोगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आड़ती और किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो नगद ही लेन देन करें। अगर उधारी की लेन देन करेंगे तो पार्टियां साफ हो जाएगा, किसी के पास पैसा नहीं है, प्याज आलू वालों के पास पैसे की बहुत कमी है, और इसलिए चक्कर नहीं घुमावे। जिसने माल बिके वो खड़ा करके रुपया ले जाए और उसी पर माल बेचे जिस पर भरोसा हो। अगर भरोसा नहीं है तो कतई एक मिनट भी माल नहीं बेचे, मेरे पे भी जब ही बेचे जब मुझसे नगद रुपया ले जाए। अगर मैं भी उधार करूं तो मेरे पे भी मत आना भैया, उस कंजाना जो नगद माल रुपया पेमेंट करता हो। इसलिए उधारी का काम बंद, नो नगद तेरा उधार। जी साहब। सर अभी जो शनिवार की जो छुट्टी है मंडी में, हाँ मंडी में शनिवार की, प्रत्येक शनिवार की हम प्याज की छुट्टी रखते हैं, उसके कई कारण है। आगे की बड़ी मंडी इतवार को बंद रहती है, उससे क्या है कि काम का दबाव रहता है। अभी हम दीपावली के बाद शनिवार की मंडी की छुट्टी रखा करेंगे। अभी इस बीच में जो दो शनिवार आ रहे हैं, कल आ रहा है जब भी मंडी खुलेगी, एक अगला आ रहा है उसमें भी खुलेगी, उसके बाद दीपावली के बाद विधिवत मंडी यूनियन के आधार पर काम चलेगा। सर जो आड़ती है किसानों के पैसे नहीं दे रहे और अब फिलहाल वो मंडी में मौजूद भी नहीं है, शायद संभावना भी नहीं कि आएंगे। तो देखो उधारी जो होती है वो आंखों की होती है, उधारी कोई दबाव की नहीं होती है। किसी भी किसान ने किसी भी आड़ती पर पैसा छोड़ा है तो वो उसने उसकी सहमति से छोड़ा है, प्रयास करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, जिनका कोई पैसा बाकी है यूनियन में आके पर्चा लगाए, मंडी समिति में आकर लगाए और प्रयास करेंगे उस व्यक्ति का पैसा दिलाया जाए, ऐसा आपको भरोसा दिलाते हैं।